स्टूडेंट वी आर डिस्कस अबाउट प्लस टू बायोलॉजी चैप्टर 9 पार्ट 1 चैप्टर नेम फूड प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट करना है फूड का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। इन दिस लेक्चर वी आर कवर अबाउट सिंगल सेल प्रोटीन। हम सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। SCP एंड द टिश्यू कल्चर जो 10th क्लास में पढ़ चुके हो, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और आपका लास्ट टॉपिक है मेरिस्टम कल्चर। तो नाम से ही इंडिकेट होता है सिंगल सेल प्रोटीन। देखिए सिंगल सेल प्रोटीन, पहले मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ तो टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। स्पाइरुलिना ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए यूजफुल है, ये प्रोटीन एनिमल के लिए है, ठीक है। यह है जैसे कि हमारा न्यूट्रिएंट जो होता है वो जैसे आपका वेजिटेबल से पूरा नहीं पड़ता, तो एक अल्टरनेट सोच बनाई गई थी कि हम न्यूट्रिएंट्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार करेंगे। किसे तैयार करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो दिस इज ए अल्टरनेट सोर्स ऑफ ए प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशंस। दिस इज ए अल्टरनेट। एक दूसरा तरीका है अल्टरनेट मोड, हम कह सकते हैं अल्टरनेट सोर्स ऑफ ए प्रोटीन। प्रोटीन का सोर्स है ये किसके लिए? फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। हमारे लिए स्पाइरुलिना जो है आपका इसका एग्जांपल है सिंगल सेल प्रोटीन का, ह्यूमन न्यूट्रिशन। यानी कि जो हमारी जो न्यूट्रिएंट की जो नीड है वो कहीं ना कहीं आपका वेजिटेबल से पूरा नहीं होता, तो हमने एक अल्टरनेट सोर्स बना लिया बेटा। हमने यहाँ पर स्पाइरुलिना, हमने यहाँ पर एक कल्चर मीडिया से हमने ये प्रिपेयर कर लिया। दिस इज ए अल्टरनेट प्रोटीन सोर्स फॉर द एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन फ्रॉम द सर्टेन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पाइरुलिना। तो हमने ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी सहायता से हमने प्रोटीन की जो कमी है उसको हमने पूरा किया है, ठीक है। ये कमी है उसको हमने क्या किया है? पूरा किया है। पहली बात इसमें यही है सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर। दूसरी कौन सा माइक्रोब्स है, कहाँ ग्रो करता है उसमें देखिए एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना। ये ग्रो करता है इंडस्ट्रियल स्केल में जो प्लांट होते हैं पोटैटो का, जैसे चिप्स बनता है पोटैटो प्लांट होता है जहाँ पर स्ट्रा होता है जैसे चारा भूसा होता है, या हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट जहाँ पर एनिमल डंग होता है, जहाँ पर वेस्टेज होती है वहाँ पर ये माइक्रोब्स पैदा हो जाता है। ओके, सीवरेज के अंदर एनिमल डंग के अंदर ये आपका पैदा हो जाता है माइक्रोब्स, हम कह सकते हैं पोटैटो प्लांट के अंदर एनिमल मैन्यूर के अंदर और सीवरेज के अंदर ये ग्रो करता है। एंड दैट इज ए गुड सोर्स ऑफ ए प्रोटीन्स स्पाइरुलिना। ओके, दिस इज ए माइक्रोब्स। एक माइक्रोब्स और भी बता रखा है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। ये आपका यहाँ पर बता दिया गया ट्रोफस, ठीक है। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस कैन ग्रो ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल्स एज ए गुड सोर्स ऑफ ए प्रोटीन्स। इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रो करते हैं और ये प्रोटीन का अच्छा साधन है। ओके, अब यहाँ पर क्या एडवांटेज है सिंगल सेल प्रोटीन का? देखिए एक तो जहाँ पर जिस चीज से आपका पोल्यूशन होना था वो पोल्यूशन कम हो जाता है, क्योंकि ये तो ना आपका जैसे कि जो कोई चीज़ बच जाती है वेस्टेज बच जाती है वहाँ पर ये ग्रो करता है। तो एडवांटेज क्या है इसकी सिंगल सेल प्रोटीन की? तो ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करता है, इसमें अच्छे खासे न्यूट्रिएंट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आपका फैट और विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल कार्बोहाइड्रेट काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं और ये आसानी से ग्रो हो जाता है। ये इसके एडवांटेज है, न्यूट्रिएंट रिच है और बहुत ही
ज़्यादा क्वांटिटी में ये ग्रो करता है कम समय के अंदर, हाई रेट ऑफ ए बायोमास प्रोडक्शंस। तो ये मैंने इसकी एडवांटेज बता दी। सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से हम स्पायरुलिना को जानते हैं। ओके, माइक्रोब्स लाइक द स्पायरुलिना मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट आपका अगला टॉपिक आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी इससे सिंपल है, आपको पता है टेंथ में पढ़ा था हम, प्लांट का जो ग्रोमिंग पार्ट है, टिप है, वहाँ से हम टिश्यू लेते हैं कल्चर मीडिया की सहायता से। उस टिश्यू की सहायता से, कल्चर मीडिया की सहायता से हम पूरे प्लांट को रिजर्नेट कर लेते हैं, इसे हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यू कल्चर, देखिए कोई भी प्लांट की ग्रोइंग टिप है, जैसे कि ऊपर जो प्लांट के अंदर आपकी कोपल होती है वो ग्रोइंग टिप है, वो उसमें से हमने टिश्यू ले लिया, हमने टिश्यू निकाल लिया ग्रुप ऑफ सेल, और उसको टिश्यू को हमने डाल दिया कल्चर मीडिया के अंदर। कल्चर मीडिया के अंदर जो होता है, कल्चर मीडिया के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं, कार्बन का सोर्स पाया जाता है, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। प्लांट और आपका कार्बन सोर्स के लिए सुक्रोज पाया जाता है और हार्मोन्स पाए जाते हैं इसके अंदर, कुछ साल्ट होते हैं। तो ये टिश्यू यहाँ से न्यूट्रिएंट लेके एक नए प्लांट को रिजर्नेट करता है, नया पौधा बनाता है, तो इसी को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो इसमें दिस इज द मेथड, देखिए काम सारा लैब में होता है, तो हम कहेंगे इसको इनविट्रो टेक्निक। क्या कहेंगे? इनविट्रो टेक्निक। और काम सारा साफ होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर नहीं होता, तो अंडर बोलेंगे सेप्टिक टेक्निक। क्या बोलेंगे? सेप्टिक टेक्निक। सेप्टिक कंडीशन के अंदर काम होना चाहिए, लैब में काम होता है तो इसको बोलते हैं इनविट्रो टेक्निक। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम द टिश्यू विद द हेल्प ऑफ ए कल्चर मीडिया एंड हार्मोन्स। या हम कह सकते हैं कि नए प्लांट का जन्म होता है टिश्यू की सहायता से, कल्चर मीडिया की सहायता से। रिजर्नेशन ऑफ ए होल प्लांट फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट आर ग्रोइंग ऑन ए कल्चर मीडिया नोन एज ए टिश्यू कल्चर। अब यहाँ पर ये बता दिया स्टूडेंट कि टोटिपोटेंसी क्या है। टोटिपोटेंसी भी एक कैपेसिटी है सेल की जिससे होल प्लांट बन जाता है। टोटिपोटेंसी सेल की वह कैपेसिटी जिससे कि नया प्लांट बन जाता है, पूरा होल प्लांट बन जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू ग्रो इनटू ए होल प्लांट, दैट इज नोन एज ए टोटिपोटेंसी। द एबिलिटी टू जनरेट द होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल। भाई आपका कोई भी, आपने सेल लिया और उस सेल से आपने पूरा होल प्लांट बना दिया, पूरा प्लांट विकसित कर दिया, तो इस कैपेसिटी को, सेल की इस कैपेसिटी को जिसने होल प्लांट बनाया, इसे हम टोटिपोटेंसी के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं द एबिलिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ ए सेल एक्स प्लांट टू ग्रो इन टू ए होल प्लांट, दैट इज नोन एज ए टोटिपोटेंसी। एक टर्म और भी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर इसी में, एक्स प्लांट। ठीक है, इसमें तो पूरा प्लांट बन जाता है। एक्स प्लांट क्या होता है? जिस प्लांट को हम कल्चर मीडिया के लिए लेते हैं, जिस पार्ट को, पार्ट ऑफ ए प्लांट यूज फॉर द टिश्यू कल्चर, नोन एज ए एक्स प्लांट। हमने मान लो हमने सरसों का पौधा लिया है, उसका हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। जैसे टिश्यू कल्चर के लिए हमें बागवानी वाले पौधे लेते हैं, बागवानी वाले, जैसे अमरूद का ले लिया, नींबू का ले लिया, ऐसे पौधे लेते हैं जिसकी मतलब जो फलदार पौधे होते हैं। ओके, वहाँ से हमने कोई लिया है, कोई टिश्यू लिया है और उससे हमने कोई प्लांट बनाया है टिश्यू लेके, तो इसे हम एक्स प्लांट के नाम से जानते हैं। ए पार्ट ऑफ ए प्लांट टेकन, उस प्लांट को हम एक्स प्लांट कहते हैं, पेरेंटल प्लांट को हम एक्स प्लांट कहते हैं, ये कह सकते हैं स्टूडेंट। अगला है माइक्रो प्रोपोगेशन, एक टेक्निक और भी स्टूडेंट यहाँ पर है, माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है कि हम भाई बहुत ज़्यादा पेड़ टिश्यू से हम प्लांट पैदा करते हैं, उन प्लांटों को अपने हाथों से फील्ड में लगाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन।
लिख रखा है द मेथड ऑफ ग्रोविंग ए थाउजेंड ऑफ ए प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर। हमने टिश्यू कल्चर किया एक टिश्यू की सहायता से, कुछ टिश्यूओं की सहायता से हजारों पौधों हमने तैयार किए। पौधे तैयार करने के बाद उनको हमने ग्रो करवा दिया फील्ड के अंदर। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट है टिश्यू कल्चर की सहायता से, हमने उन पौधों को विकसित किया है। तो इस टेक्निक का नाम हो गया माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या नाम हो गया? माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन में कह सकते हैं द हम थाउजेंड प्लांट बनाते हैं एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर थ्रू द टिश्यू कल्चर, और उनकी हम ग्रोइंग करवाते हैं। दैट इज नोन एज ए माइक्रो प्रोपोगेशन। सोमा क्लोन अगला एक नाम आएगा इसके अंदर है आपका एनसीईआरटी में, सोमा क्लोन। क्लोन समझ आते ही आप समझ जाइए कि पेरेंटल प्लांट और जो नया प्लांट डॉटर प्लांट पैदा हो रहा है उसका जेनेटिक मेकअप सेम है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सोमा क्लोन। यानी कि टिश्यू कल्चर से जो भी हम पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं वो ओरिजिनल प्लांट के पूर्वक होते हैं, सेम होते हैं, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सोमा क्लोन। द प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम द टिश्यू कल्चर आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। जो ओरिजिनल प्लांट होता है उसके आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सोमा क्लोन। क्या है इसका एडवांटेज है टिश्यू कल्चर से? देखिए, सीडलेस प्लांट पैदा करते हैं हम, जो आपके जो फलदार पौधे होते हैं वो तैयार करते हैं, कम समय के अंदर हजारों पौधे तैयार कर लेते हैं। लैब का छोटा सा एरिया चाहिए, ज़्यादा एरिया की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें हेल्दी प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट, सीडलेस प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इसमें हमारा ये हो गया टिश्यू कल्चर। सिंपल सी बात है, टिश्यू की सहायता से हमने हार्मोन, टिश्यू प्लस हार्मोन प्लस कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में एक्जीन हार्मोन होता है जो रूट और शूट को डेवलप करता है। रूट और शूट किसी टिश्यू के अंदर डेवलप हो जाए तो उसी को तो हम पौधा बोलते हैं। जो आपका पौधा होता है उसमें रूट और शूट पाई जाती है, सेम थिंग। अगला स्टूडेंट हमारा टॉपिक है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या बताता है कि हमने दो पौधे ले लिया, एक टमाटर का ले लिया बेटा, पोटैटो का एक ले लिया, आपको पोटैटो का एक ले लिया, टोमाटो का दो पौधे ले लिए, उनका हमने सेल ले लिया। अब यहाँ पर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम दो पौधों के जो सेल लेके उनके प्रोटोप्लाज्म को निकाल लेते हैं और उनको फ्यूज करते हैं, उनको मिलाते हैं और उनसे एक नया पौधा विकसित करते हैं। तो नया पौधा जो विकसित करते हैं, जो जिन पौधों से तैयार हुआ तो उसमें दोनों फल मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पौधा विकसित किया है जिसका नाम है पोमेटो। पोमेटो एक ऐसा पौधा है जिसमें टमाटर भी लगता है और आलू भी लगता है, क्योंकि हमने आलू का भी सेल लिया था, यहाँ पर टमाटर का भी सेल लिया था, दोनों का सेल लिया। सेल क्या लिया बेटा? उनका लिया हमने प्रोटोप्लाज्म। नाम से ही देखिए, प्रोटोप्लाज्म। हमने प्रोटोप्लाज्म लिया, उसको फ्यूज कर दिया। फ्यूज करने से एक हाइब्रिड नया आपका प्लांट बन जाता है जिसमें टमाटर भी लगता है और आपका, और ये कह सकते हैं हम, आलू भी लगता है, टमाटर भी और आलू भी। ओके, देखिए क्या बता रखा है स्टूडेंट इसमें, पहले प्रोसेस क्या है, देखिए इसमें क्या बता रखा था। फ्यूजन ऑफ ए प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए सोमेटिक सेल ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट वराइटी या स्पीसीज ऑफ ए प्लांट। देखिए, दो पौधे हैं, हमने डिफरेंट वैरायटी के पौधे हैं, उनका हमने सेल ले लिया, उनका प्रोटोप्लाज्म निकाल लिया, दोनों को फ्यूज कर दिया और उसको हमने कल्चर मीडिया में डाल दिया। न्यूट्रिएंट चाहिए तो कल्चर मीडिया में डाल दिया, जैसे टिश्यू कल्चर के लिए लिया था, सेप्टिक कंडीशन दे दी। तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, टू डेवलप ए सोमेटिक हाइब्रिड। तो वहाँ से एक सोमेटिक हाइब्रिड डेवलप हो जाएगा दोनों के मिलने से, जिसे हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। काम कैसे होगा स्टूडेंट के, इसमें स्टेप बाय देखिए। कोई भी पेरेंटल प्लांट है पहले तो उसमें हमने सेल को अलग किया। सेल में होती है सेल वॉल, और प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग कंपोनेंट ऑफ ए सेल, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो इस सेल की सेल वॉल को डाइजेस्ट कीजिए, वो हमने सेलुलेज एंजाइम से डाइजेस्ट की है, पैक्टिनेज सेलुलेज। देखिए, हमने सेल वॉल को डाइजेस्ट करवाया है पैक्टिनेज सेलुलेज। अब हमारे पास सेल में सेल वॉल हटने से सेलुलेज,
और इसमें सेल वाल हटने से बच जाता है लिविंग कंपोनेंट ऑफ ए सेल नोन एज ए प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सारा मेटेरियल, विस्कस मेटेरियल, सारे कंपोनेंट। ओके, तो हमने यहाँ पर ये बता दिया, पहले हमने सेल को आइसोलेट कर लिया जो पेरेंटल प्लांट है, उसके बाद में उसकी सेल वाल को डाइजेस्ट करवा दिया। अब जो प्रोटोप्लाज्म बच जाता है उसके चारों तरफ सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर आइसोलेटेड, इट इज सराउंडेड बाई ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अब आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म को हम फ्यूज कर देते हैं अंडर द स्टराइल कंडीशन। जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है, हमने कल्चर मीडिया का यूज किया और दोनों को मिला दिया, एक प्रोटोप्लाज्म ए है दूसरा बी है, दोनों को मिला दिया तो बन जाएगा सोमेटिक हाइब्रिड। क्या बन जाएगा? सोमेटिक हाइब्रिड, जिसका बेस्ट एग्जांपल है पोमेटो। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें टमाटर भी लगता है और आलू भी लगता है। ओके, दिस इज ए न्यू हाइब्रिड प्लांट डेवलप्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ए प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए टोमेटो एंड ए टोमेटो एंड पोटैटो। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल स्टूडेंट, ये हमारा हो जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही मिक्सिंग होता है, हमने मिक्स कर दिया, फ्यूजन कर दिया हमने प्रोटोप्लाज्म को। कैसे निकाला? सेलुलेज एंजाइम की सहायता से, सेलुलेज एंजाइम की सहायता से। आगे बता रखे बेटा मेरिस्टम कल्चर। मेरिस्टम कल्चर जो होता है एक ऐसी टेक्निक है जो डिजीज प्लांट से, जो बीमारी वाले प्लांट हैं उनसे हम हेल्दी प्लांट तैयार करते हैं, हेल्दी प्लांट। ठीक है, इसके बारे में बता रखा है मेरिस्टमिक टिश्यू जो होता है वो टिप के ऊपर पाया जाता है। ओनली द वायरस फ्री प्लांट ऑफ ए वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं बाय रिमूविंग द मेरिस्टम्स ग्रोइंग इन द विट्रो, ए वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन। तो कल्चर मीडिया की सहायता से हम वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं। ओके, और बता रखे है इस टेक्निक के अंदर हम प्लांट मेरिस्टम कल्चर से हम बनाना, शुगर केन और पोटैटो, ये टेक्निक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, बनाना, शुगर केन और पोटैटो। ठीक है, ये हमने बता दिया आपका मेरिस्टम कल्चर, सिंपल था। सिंगल सेल प्रोटीन स्पायरुलिना के नाम से जानते हैं, मार्केट में इसकी टैबलेट कैप्सूल मिलते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोटीन है। हमारी जो जो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो जो आपका जो शाकाहारी फूड है उससे हमारी पूरी नहीं पड़ती, तो वी आर शिफ्टिंग गोज टू द एनिमल्स एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर शिफ्ट हो गए बहुत ही शॉर्ट टाइम में, और बहुत ही अपने साइज के हिसाब से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस कहाँ ग्रो करता है आपको पता है, कल्चर मीडिया में जहाँ पर वेस्टेज होती है वहाँ ग्रो करता है। टिश्यू कल्चर, ये चारों टेक्निक पढ़ लेना। जो स्टार्टिंग में इस चैप्टर के अंदर बता रखा है एनिमल हजबेंड्री, बी कीपिंग, ये अपने आप स्टडी कीजिए। बी कीपिंग आप जैसे कि फिशनरी है, और इसके बाद में कुछ एक दो टॉपिक और भी हैं यहाँ पर, ब्रीडिंग है, जो आपके सिलेक्टेड टॉपिक हैं वो यहाँ पर मैं पढ़ा दूँगा। ओके, टेक केयर।